नमस्कार दर्शकवीन, आज पुनः मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी बात जो हम आपको एक मेन टॉपिक के तौर पर हमने आज तक प्रस्तुत नहीं किया है। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं हम पूजा पाठ संबंधी विशेष ध्यानपूर्वक करने के बाद अथवा पूजा पाठ करने के बाद भी हम कोई चीज़ ऐसे हैं जो हम उसको सदुपयोग नहीं कर पाते अथवा कुछ चीज़ जानने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आइए इसके उपलक्ष्य में आज हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे घर में पूजा पाठ संबंधी जो चीज़ें हैं किस प्रकार और कहाँ किस तरीके से विद्यमान कराया जाए और किस तरह से रखा जाए, इसके ऊपर आज हम फोकस करते हैं। सर्वप्रथम हम ध्यान की बात करते हैं। हम घर में किसी भी स्थान पर कोई भी चीज़ रखने से पहले हम उस चीज़ के बारे में सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। आइए आज हम उसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करते हैं। सर्वप्रथम पूजा में हमें क्या चीज़ रखना चाहिए और क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप पूजा में जो मंदिर बनाएंगे उसके ऊपर, जो मंदिर बनाएंगे आप घर में उसके ऊपर चोटी नहीं होना चाहिए, जिसे कलश कहते हैं, कलश नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आप कलश रखेंगे तो वो छत के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो है आपके पूजा स्थान में तो आप उसे हटा देने में ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके मंदिर में है और आप उसके तोड़ फोड़ करने में संशय महसूस करते हैं तो ध्यान रहे आप उसे हटाने से आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, नहीं मंदिर खंडित माना जाएगा। पूजा के मंदिर के ऊपर पुराना बर्तन और पूजा के और पदार्थ चीज़ वगैरह, ये चीज़ वगैरह पूजा के मंदिर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा पूजा में प्रतिदिन दिया बत्ती जो करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, इसमें दीपक जलाने के दो तरीके हैं। एक आप लेटे हुए बत्ती के दीपक जला सकते हैं और एक दूसरा जो खड़े तरीके से आप दीपक जला सकते हैं। अगर आप इस तरह से दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती जो अथवा दीपक जलाने के जो रीतियाँ हैं वो ये है कि आप जहाँ भी मूर्ति के सामने दीपक जलाएंगे, ध्यान रहे विशेषकर घर में जो मूर्ति है आपका छोटा होता है और दीपक आप प्राइज से बड़े लाते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जहाँ भी पूजा करेंगे, पूजा के जो मूर्ति रखे पूजा करेंगे उस मूर्ति के चरण में दीपक का लो जाना चाहिए, ना कि सिर के ऊपर। अगर इस तरह से आप पूजा करेंगे और धूप बत्ती जलाएंगे तो आपका जो मनोरथ होगा वो अति शीघ्र पूर्ण होगा। ऐसा ही पूजा में लक्ष्मी गणेश जी और शिव जी, पार्वती, विष्णु जी, कुबेर जी और नवग्रह यंत्र वगैरह, ये चीज़ आप पूजा स्थान पे रख सकते हैं। इसके अलावा पूजा में माचिस हो गया, घी का डब्बा इत्यादि वगैरह पूजा से थोड़ी सी अलग रखना चाहिए। धूप बत्ती और जो रुई यूज करते हैं वो भी पूजा से थोड़ी सी अलग रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पूजा ऐसी स्थान पर होना चाहिए घर में कि घर से बाहर से आने वाले जो आदमी हैं उनका सीधे डायरेक्ट नज़र पूजा पर न जाए। अगर आपका बेडरूम पे पूजा है तो वो भी कोशिश करें कि बेडरूम से आपको हटा दिया जाए। बाई चांस अगर आप पूजा से वो चीज़ नहीं हटा पाएंगे तो आप दीपक जलाने के बाद सोने के टाइम पे या फिर आराम करने के टाइम पे आप उसको पर्दा लगा दीजिएगा। आप पूजा में कोई भी टूटे फूटे दीपक अथवा कोई भी मूर्ति वगैरह इत्यादि कोई भी चीज़ टूटे फटे जो खंडित तो हैं, ये चीज़ आपको नहीं रखना है। ये विशेष आपको ध्यान देने वाली बात है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना ही होगा। पूजा में विशेषकर बल्ब लगाया जाता है, बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगाते समय ये ध्यान रखना कि अगर आपका पूजा ईशान कोण में है तो आप लाल रंग का बल्ब नहीं लगाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका बिजनेस क्षेत्र है तो आप बिजनेस क्षेत्र में, अगर आप ईशान कोण में पूजा स्थान कराए तो आप वहाँ लाल बल्ब हमेशा जला के रखें। और घर पे अगर आपका पूजा के स्थान है ईशान कोण में तो आप दूधिया कलर के, वाइट कलर के इत्यादि कलर के आप बल्ब लगा सकते हैं। इसके अलावा पूजा में सर्वप्रथम स्थान जो है भगवान गणेश जी का है, गणेश जी को रखें। गणेश जी के रखने के बाद आप माँ लक्ष्मी का स्थान प्रदान करें। माँ लक्ष्मी स्थान प्रदान करने के बाद भगवान शंकर का स्थान रख दें और माँ भगवती स्थान दें, नवग्रह देवता का स्थान दें
अगर इस तरह से आप पूजा करेंगे तो पूजा का शीघ्र फल आपको प्राप्त होगा। यही पूजा करते समय ध्यान रहे, आप किस टाइम पूजा करते हैं, क्या पूजा करते हैं, किस प्रकार के मंत्र आप उच्चारण करते हैं, ये किसी को भी आपको नहीं बताना होता है। एक कहावत भी है कि आप पुण्य करेंगे तो छिपाएं, अगर पाप करेंगे तो आप सबको बताएं। तो ध्यान रहे, आप जो पुण्य कर रहे हैं वो छिपाना है, इसलिए छिपाना है पाप बहुत गहराई पे होता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी गहराई में आप पानी डाल दीजिएगा, जैसा ज़मीन में आप गहरा गड्ढा करके आप पानी डाल दीजिएगा, वो कितने टाइम पे सूखता है, और एक ज़मीन के ऊपर आप उतना ही पानी डाल देना, कितने देर में सूखता है, ऐसा ही होता है। पाप करेंगे तो पाप का प्रायश्चित लेट होता है, और जो पुण्य करेंगे वो जल्दी जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे मित्र, आप पूजा पाठ करते समय यही ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पूजा पाठ करके आप किसी को ना बताएं क्या कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को भी जानकारी आपको प्रदान नहीं करना है, क्योंकि जो पुण्य होता है वो फैला होता है। इसका मतलब ये है कि पुण्य करते समय अगर आप बताएंगे तो हल्का सा आप गलती करेंगे तो वो पुण्य क्षय हो जाएगा। पाप गड्ढे के अंदर होता है, पानी सूखने बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप जो गलत कर्म किया है आप ये ना सोचें कि मैं जाके शिव जी के ऊपर जाके दो लुटिया चढ़ाऊँगा तो मेरा सब ग्रह ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप निरंतर करना होगा भगवान का सेवा, आप निरंतर करते रहेंगे तभी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आप पूजा करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, मन में नारायण का स्मरण करते रहेंगे, हरि गुण गाते रहेंगे, तो आपका जो कार्य है वो अवश्य बनेगा, भगवान जी आपको अवश्य सुनेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या समस्या होने पर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के चरण में जाके अरदास लगाना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को किस वेश पे जाकर अरदास लगा दे, जब आप किसी भी संकट की अवस्था में हैं, जब आप किसी संकट की अवस्था में रहेंगे तो आप सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के चरण में जाकर अरदास करें। नौकरी व्यवसाय में जाने से पहले बुद्धि का भी देवता माने जाते हैं भगवान गणेश जी, इसलिए नौकरी व्यवसाय इंटरव्यू में जाएंगे तो उससे पहले भी ध्यान रहे आप गणेश जी के सामने मस्तक झुकाकर प्रार्थना करके अपना अरदास लगा कर जाएँ और मन में यही उच्चारण करें कि मेरे कार्य जो है वो शीघ्र संपन्न हो। जब आपका कार्य संपन्न होगा तो भगवान गणेश जी को अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसाद चढ़ाएँ और वस्त्र, हो सकता है वस्त्र का धारण कराएं, अगर ये करेंगे तो फिर आपका मनोरथ हमेशा के लिए सिद्ध होगा। यही अब माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए, विशेषकर माँ लक्ष्मी का धन धान्य समृद्धि के लिए कराया जाता है। अगर घर में कोई बालक आपका कहना नहीं सुनता, विचार नहीं मिल पाते परिवार में, तो ध्यान रहे भगवान गणेश जी को 11 दुबड़े के जिसमें 7 पत्तियाँ हो, ये 11 दुबड़े की माला बनाकर भगवान गणेश जी को अर्पण करके माँ लक्ष्मी को लाल चावल अर्पण करके प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि तरीके से आप घर के अंदर विद्यमान रहे, जिसके भी मस्तिष्क पर नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है वो शीघ्र शांत हो जाए। इसे पूजा करना, इसलिए पूजा करना चाहिए, इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको, और इसलिए इसकी पूजा करना चाहिए। भगवान गणेश जी सुख का दाता है और माँ लक्ष्मी धन धान्य की दाता है, इसलिए आदमी का बुद्धि मलिन जब होता है, जब गणेश जी की कृपा मलिन हो जाता है। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हमेशा ओम गंग गणपतये नमः या फिर लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी नमः और हिरण्य सूक्त और आदित्य सूक्त, अगर इन चीज़ के भी पारण करेंगे तो आपका जो मनोरथ है वो शीघ्र पूर्ण होने के चांस अत्यधिक रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के समय आप पीले या फिर लाल वस्त्र या फिर पीले या लाल ही आसन पे अगर आप विद्यमान रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
ध्यान ये रखना है और कोशिश यही करें कि आप अगर ये चीज़ वगैरह यूज करेंगे तो आपका मनोरथ भी पूर्ण होगा और कार्य भी जल्दी शीघ्र होगा। अब आइए उसके बाद हम बात करते हैं पूजा के स्थान पर जो कलश रखा जाता है, हमारे मंत्र में एक वैदिक मंत्र में भी ये भी कहते हैं, गंगा स यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलश्लिनी सन्निधि गुरु, इस मंत्र को भी उच्चारण किया जाता है। तो यूँ इसलिए है कि जो कलश रखा जाता है उसमें पवित्र गंगा नर्मदा सरस्वती और गोदावरी, इसके पवित्र जो नदी है, इसी नदी के समान हमारे घर के अंदर धन समृद्धि सौभाग्यता हमारे घर के अंदर सदैव विद्यमान रहे। जिस तरह से कलश भरा हुआ है, इस तरह से हमारे घर में पवित्र धन संपत्ति का आगमन नित्य निरंतर बनता रहे। एक इस कामना से कलश रखे जाते हैं। ऊपर नारियल इसलिए रखा जाता है कि एक पूर्णता के लिए, और श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को, तो इसके लिए नारियल रखा जाता है कार्य शीघ्र अथवा पूर्ण करने के लिए, श्री लक्ष्मी का वास कराने के लिए, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए चीज़ करा जाता है। और पूजा में कलश रखने से होता है कि यज्ञ पुरुष माने जाते हैं, आप कोई भी कर्म करेंगे उसमें कलश जरूर होगा। वो इसलिए कि भगवान को हम आह्वानित करते हैं आसन देकर, लेकिन वो जल में शुद्ध होने की वजह से अगर जल के अंदर विद्यमान रहते हैं इसलिए कलश का निर्माण किया जाता है पूजा पाठ के समय। उसके बाद माँ भगवती का पूजा किया जाता है। माँ भगवती के तीन स्वरूप बताए गए हैं, नवरात्रियाँ हैं, रात्रियों के नाम बताए गए हैं, और विशेषकर माँ भगवती के तीन स्वरूप हैं, वो कौन कौन से आइए हम जानते हैं। प्रथम स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति प्रदान करती है, शत्रुओं से विजय कराती है, तो संकट से दूर करती हैं। तो महालक्ष्मी धन धान्य एवं घर के अंदर से समस्या और पारिवारिक वैचारिक मतभेद इत्यादि वगैरह सभी दूर होकर अपने मित्रगणों का प्रिय बनाता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का इसलिए सेवा किया जाता है। माँ सरस्वती विद्या की दाता हैं और उनकी पूजा करने से विद्या और बुद्धि में परिपूर्णता प्राप्त होता है, इसलिए माँ भगवती का जो पूजा है वो करना चाहिए। ध्यान रहे माँ भगवती पूजा करते समय लाल वस्त्र, लाल आसन और लाल तिलक लगाकर इनकी पूजा करें। अगर इस प्रकार की पूजा करेंगे तो इस प्रकार पूजा करने पर शीघ्र मनोरथ पूर्ण होता है। उसके बाद नवग्रह देवता को सेवा किया जाता है। नवग्रह देवता क्यों पूजन किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। नवग्रह देवता का पूजा इसलिए करना चाहिए कि हमारे कुंडली में नौ ग्रह है और उस नौ ग्रहों में हमारे सभी अस्तित्व छिपा हुआ है। नवग्रह पूजा करने से जौन सा ग्रह उच्च का है, जो ग्रह उच्च के हैं वो अपना कार्य से संपन्न करते हैं, जो नीच ग्रह होता है वो गलत प्रभाव कुंडली के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो इसलिए मित्र ये ध्यान रहे, गलत प्रभाव को दूर करने के लिए, गलत प्रभाव को दूर करने के लिए नवग्रह देवता का पूजन किया जाता है। सूर्य ग्रह अगर आपके नीच के हैं तो आपको नौकरी व्यवसाय लेकर विद्या के क्षेत्र में आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि, राहु के, तो ये ग्रहों की जो पीड़ाएं हैं मनुष्य के नाना प्रकार के समस्याओं से ग्रसित बनाते हैं। और किस भाव में बैठने पर ग्रसित बनाते हैं ये थोड़ी लंबा मैटर है, इसलिए हम अगले वीडियो पर इसके चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे मित्र। तो नवग्रह देवता का पूजन करते समय ये विशेष ये ध्यान रहे कि प्रार्थना क्या करना है कि जो नीच ग्रह है वो शांत रहे और जो उच्च ग्रह है वो अनुकूल फल हमेशा प्रदान करते रहे। तो नवग्रह देवता का पूजन करते समय ये ध्यान रखना होता है कि जो नीच ग्रह हैं वो शांत रहे, उच्च ग्रह अपना कार्य संपन्न कराए, हमारे ऊपर जो भी नकारात्मक दृष्टि जिस ग्रहों की भी दृष्टि है वो शीघ्र हम इसका निदान हो, इस प्रकार के मनोरथ उच्चारण करेंगे। अब हम बात करते हैं द्वितीय पूजा के स्थान पर शंख और घंटा क्यों रखा जाता है। पूजा के स्थान पर शंख घंटा इसलिए रखा जाता है, सर्वप्रथम तो आप ये ध्यान रहें, शंख इसलिए रखा जाता है कि शंख पर विष्णु जी का वास है और घंटा पर माँ लक्ष्मी का वास है। हमारे धार्मिक पुस्तक में और ब्राह्मण शायद आपने सुने भी होंगे, जब हमारा अवस्था, देखो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये अवस्था जैसे होते हैं इसी प्रकार से इसमें क्या है, जब हमारा युवावस्था से, बाल्यावस्था से युवावस्था में आने के बाद हमारे जब गृहस्थी अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थी प्रवेश करने की अवस्था में जब हमारी शादी होती है तो मंडप पे जब बैठते हैं तो अंतिम अवस्था में
लड़के और लड़की को बिठाने के बाद जब वचन बोले जाते हैं, लड़की सात वचन रखती है, अपना सात अपना वचन मांग लेती है लड़के से कि भाई मेरे जो सात वचन इसको आप तो सात दो, तो लड़का कहता है कि मेरी चार वचन को सात दो। तो उसी वचन में लड़की एक वचन कहती है कि जो आप पूजा पाठ क्रय विक्रय इत्यादि आपको जो भी कार्य करोगे उसमें मेरी सहमति लेना आपके लिए परम जरूरी है। तो उसके बाद लड़का अग्नि कर हाथ करने के बाद कसम खाता है कि मैं जो भी कार्य करूँगा आपके बिना नहीं करूँगा और आपके कार्य के विपरीत होकर मैं ये कार्य कभी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार के जब वो मनोरथ रखता है तो उसके बाद से लेकर यही चीज़ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के टाइम वैभाग टाइम में हुआ था। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय भी यही चीज़ लगता है, आप पूजा पाठ करते हैं, विशेषकर आप जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते समय सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, सर्वप्रथम आप भगवान को आसन देते हैं। आसन देने के बाद आप जल का छिटा करते हैं, जल का छिटा लगाने के बाद पुनः आप पंचामृत स्नान कराया जाता है भगवान को जब पूजा करते हैं। आप ध्यान रखना, आप नित्य कभी गणेश जी की पूजा करेंगे दीपावली वगैरह में, इसमें भी आपको ये बहुत काम करेगा। सर्वप्रथम आप भगवान को सामने रखने के बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल के स्नान कराने के बाद पुनः पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत कौन कौन से होते हैं, दूध दही शहद घी और बूरा, ये पांच चीज़ पंचामृत है। ये पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल स्नान कराने के बाद एक कलावे का टुकड़ा दीजिए वस्त्र के स्वरूप में। उसके बाद जब पुरुष देवताओं को पूजा करते हैं तो जनेऊ आपको देना होता है, एक जनेऊ अर्पण करिए। जनेऊ अर्पण करने के बाद आप भगवान को रोली से पूजन करेंगे, रोली के छिटा लगाएंगे, रोली चढ़ाने के बाद अक्षत चावल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाने के बाद धूप और दीप दिखाकर उनके पूजन करेंगे। धूप दिखाने के बाद सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गुलाल और बजरंगी सिंदूर इत्यादि नाना प्रकार के रंग वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। रंग चढ़ाने के बाद उसके बाद आप एक बार पुनः हाथ धुलें। हाथ धुलने के बाद मिश्री का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए और फल का भोग लगाइए, पान का भोग लगाइए और उसके बाद कुछ दक्षिणा आप सामने रख के हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। ये विधि इसलिए किया जाता है कि कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। जब घर के अंदर कोई भी अतिथि घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं। तो हमारा एक संस्कृत जो श्लोक है वो सभी जानते भी इसको, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। तो आप भगवान को अतिथि के स्वरूप में ही आह्वान किया है तो अतिथि को भी उसी तरह की सेवा करना, जिस तरह से आपके घर में दामाद आएंगे, भांजे आएंगे, तो जिस तरह से आपके घर में अतिथि आएंगे वो उसी तरीके से वो अपना जो कार्य है वो संपन्न करते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, आपके घर में कोई मेहमान आएंगे सर्वप्रथम सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद स्नान करेगा, जैसा हम भगवान स्नान कराते हैं पंचाम स्नान कराते हैं, उसके बाद हम कलावा चढ़ा रहे हैं, आपके मेहमान स्नान करने में वस्त्र धारण करते हैं, जनेऊ जो सत्कर्म करने वाले इसको जानने वाले वो जनेऊ यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, उसके बाद रोली चावल वगैरह से आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं कि आप चाय पानी नाश्ता क्या लेंगे। तो इसी प्रकार से मिश्री हो गया, पंचमेवा हो गया और फल हो गए इत्यादि कर चढ़ाएंगे। उसके बाद भोजनम पश्चात हम तांबूलम प्रतिक्रिया, भोजन के बाद अगर अतिथियों को देवताओं को तांबूल अर्पण कराया जाता है उनके हृदय प्रसन्न होता है, ऐसा मान्यता है। तो इसलिए पान खिलाया जाता है भगवान को। पान खिलाने के बाद प्रार्थना, आपके घर में कोई अतिथि आने के भोजन करने के बाद जब चलने के टाइम पे आप कुछ पैसे रखकर प्रार्थना करते हैं कि आना कोई गलती हुई है बताना, क्षमा करना, तो इसी प्रकार से भावना रखते हैं। और जब हम भगवान की सभी चीज़ चढ़ाने के बाद प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोई गलती उसे क्षमा करे, इसी प्रकार से हम फूल में उसके बाद फूल अक्षत लेकर प्रार्थना करते हैं अपने कमियों को अथवा अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान को। तो वही प्रार्थना करते हैं हम फूल अक्षता लेकर। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान के पूजन सभी भगवान का पूजन एक ही तरीके से नहीं होता। गणेश जी को और भगवान शंकर को दुबड़े से पूजन करना चाहिए। तो अब माँ भगवती को तुलसी का अथवा भगवान शंकर के तुलसी का भोग नाल नहीं लगाए तो अच्छा है, शिव जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव धर्म से है वो तुलसी पत्र का जो है नहीं करे। दूसरी बात, शिव जी के पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि भगवान शंकर विष्णु ने तुलसी को अपना पत्नी का स्वरूप दिया गया है, तो इसलिए भगवान शंकर की पूजा में तुलसी का यूज़ नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तीसरी बात, भगवान
शंकर की पूजा में सफ़ेद तिल का भी यूज आपको नहीं करना है। ध्यान रहे, बेलपत्र भगवान शंकर के प्रिय माने जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना कि एक उस पे पत्ते पर तीन पत्ते हो और वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अथवा किसी मतलब टूटा हुआ तो नहीं है लेकिन वो सुकड़ा हुआ है, ये भी खंडित माना जाता है। इसलिए साफ़ सुथरा पत्र जो है वो चढ़ाया जाता है। और बेलपत्ते चढ़ाते समय ध्यान रखना कि रोली का टिक्का लगा कर ही चढ़ाएँ, केवल बेलपत्रा नहीं चढ़ाना है आपको। इस तरह से भगवान शंकर की पूजा करेंगे। भगवान शंकर के प्रिय में धतूरे का फल इत्यादि अगर आप चढ़ाएंगे तो भगवान शंकर के लिए बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आपको नित्य नियम जो है वो पूजा करना है। विशेषकर जब आप पूजा करेंगे तो घर में एक षोड़श मातृका का स्थान भी दें। षोड़श मातृका का पूजन आप स्थान देने की ज़रूरत नहीं, आप प्रार्थना करके मन में स्थान दें। षोड़श मातृका किस प्रकार से ध्यान करना है कि हमारे घर के अंदर विशेषकर देखिए ध्यान रखिए, जिसके घर में षोड़श मातृका का पूजन नहीं होता उनके घर में बरकत नहीं हो पाती, आप कमाइए कितना भी लेकिन रमा नहीं पाएंगे। इसलिए षोड़श मातृका का पूजन जरूर करना चाहिए। षोड़श मातृका पूजन करने से घर के अंदर बरकत बढ़ता है, इसलिए षोड़श मातृका जो है वो पूजन आपको निरंतर करना है। ध्यान रहे मित्र, उसके बाद षोड़श मातृका पूजा करेंगे, पितृ को स्मरण करना होता है। पितृ का स्थान घर के अंदर नहीं दिया जाता है और पितृ का स्मरण करें। पितृ स्मरण करने में सप्त ऋषियों का स्थान करना चाहिए, भगवान सप्तऋषि हमारे ऋषियाँ हैं उनके ध्यान करें। चतुर्थ वेद हमारे चारों वेद हैं, चारों वेद से ही हमारे जो मंत्र है मंत्र तंत्र इत्यादि जो है वो सभी वेद के अंदर से निहित है, तो इसलिए वेद का भी पूजा करना चाहिए। क्षेत्रपाल देवता जो हमारे स्थान को रक्षा करते हैं अथवा जिसे भूमिया खेड़ा भी कहते हैं आप लोगों, उनकी भी सेवा करना चाहिए। भूमिया जब प्रसन्न रहेंगे तभी आपके घर में किसी प्रकार की शत्रुओं से बाधा अथवा घर में नाना प्रकार की समस्या, घर में नकारात्मक ऊर्जा वगैरह ये चीज़ आपके घर में जब भी प्रवेश करता जब आप क्षेत्रपाल की पूजाओं पर त्रुटि करेंगे। ध्यान रहे मित्र, ये चीज़ आपको अगर निरंतर भी नहीं कर सकते आप तो एक हफ्ते में एक बार आप क्षेत्रपाल के स्वरूप को ध्यान करें अथवा आसपास में कोई मंदिर है तो वहाँ जाके दिया बत्ती जरूर करें। और एक और विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, विशेषकर ये पुरुष के लिए मैं कह रहा हूँ फिलहाल, आपके घर में जो स्त्रियाँ हैं उनकी जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जब आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे तब आपके घर में देवता का भी रमण होगा। जहाँ स्त्री रमण करती है वहीं भगवान भ्रमण करते हैं, ये ध्यान रखना। स्त्रियों को प्रसन्न रखना पुरुषों के कर्तव्य है। दूसरा, जो महिलाएं हैं वो ध्यान रहें कि पुरुष के क्या कार्य कर रहे हैं अथवा क्या करने वाले हैं उसके ऊपर टोका टाकी न करें और सही तरीके से आप सलाह करने की कोशिश करें। यही घर में गृहस्थी में सुख शांति बढ़ाने के लिए होता है। और दोनों पति पत्नी प्रातः टाइम लक्ष्मी और गणेश जी की सेवा जरूर करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय करने वाले, बच्चे को स्कूल भेजने वाले ज़्यादा लंबे पूजा नहीं कर सकते, छोटा मंत्र याद करें, कोई भी एक मंत्र याद कर सकते हैं, वही मंत्र आप मन में उच्चारण करें। ध्यान रखना, ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोद इखवे नमः बाहुभ्या मतदे नमः, ये भगवान शंकर का हृदय मंत्र है। अगर इस मंत्र को उच्चारण करें बिना अगर मन में जाप करेंगे तो आपका कोई भी ऐसा मनोकामना नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मंत्र आप जाप करते हैं तो ये बहुत बड़ा मंत्र है जो आपको आज मैंने दिया है। आपको इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के सोमवार जो तिथि है, अब आने वाले जो 16 तारीख है सोमवार तिथि है, उस दिन आप इस मंत्र को आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद से आप इसको मंत्र को याद करके नित्य प्रतिदिन हमेशा ही इस मंत्र को करना, कोई उद्यापन करना अथवा कोई किसी चढ़ाना कोई कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, केवल आप नित्य उसको स्मरण करना है। पूजा में बैठ के ही करने की जरूरत नहीं है, आप मन के अंदर अंदर गुनिया कोई भी काम करते समय आप इसको जप कर सकते हैं। प्रातः फ्रेश होकर स्नान ध्यान करने के बाद इस मंत्र को आपको करना है। ध्यान रहे, प्रातः जब आप उठेंगे उठते समय तुरंत भगवान का नाम स्मरण करना, ना कि नाना प्रकार के झूठ बोलना इत्यादि वगैरह उच्चारण करना। सर्वप्रथम शाम को सोते समय भगवान का नमन करके सोएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। ध्यान रहे, पूजा पाठ में विशेष छोटे छोटे जो नियम हैं वो हम पालन नहीं करते, बड़े नियम को फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं। दूसरा, आप घर में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करें अथवा कराएं या करते हैं, इस समय आपको विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, आप किसी ब्राह्मण से पूजा कराएंगे तो उसमें क्या है, ब्राह्मण भी उतने नियम का पालन करेंगे जितना आप भी पालन करना होगा।
ब्राह्मण पूजा करेंगे विधिवत तरीके से नियम से, लेकिन अगर आप उस पूजा को विधिवत तरीके से अगर आप नियम पालन नहीं करेंगे तो उसका पूजा का जो फल होगा आपको पूर्ण नहीं मिल पाएगा। ध्यान रहे विशेष क्या पालन करना होता है। प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, ध्यान करें, नित्य आपका जो पूजा है उसे पूजा पाठ करें, और यज्ञ के टाइम में घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचारी का पालन करें, घर से बाहर जाकर कोई सेवन ना करें, तामसिक चीज़ का त्याग करें, तामसिक विचार, नकारात्मक विचार, नकारात्मक धारणा और किसी के ऊपर मानसिक अथवा मौखिक किसी प्रकार की पीड़ा का स्थिति उत्पन्न ना करें। घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करें, उन्हें भोजन कराएं, जल पिलाएं। ध्यान रहे किस उस घर में लक्ष्मी वास करेगी, समृद्ध वास करेगी। जिसके घर में अतिथि आते ही अगर पानी का ग्रहण कराएंगे तो आपके पितर हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। ये ध्यान रहना, ये विशेष ध्यान करने वाली बात है। घर में कोई भी आएंगे, अतिथि को कुछ भी आप नहीं दे सकते, आप उनको जल जरूर पिलाइएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं पूजा पाठ संबंधी बात को, जैसा आगे बढ़ा रहे हैं तो अब हम बात करते हैं विशेषकर घर के सामने जो टाइल लगाया जाता है उसमें लक्ष्मी गणेश जी भी लगाया जाता है, सतिया वगैरह, ओम श्री नाना प्रकार के जो है वो लगाने के प्रचलन है और लगाते भी हैं, हम देखते भी हैं। उसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको। सर्वप्रथम घर के सामने अगर हनुमान जी का वज्र लेकर बैठे हुए अथवा गधा लेकर जो बैठे हैं अगर वो तस्वीर लगा सकते हैं तो घर के सामने के जो वास्तु दोष है ये सब दूर हो जाएंगे। ये एक वास्तविकता है। आप हनुमान जी की तस्वीर ज़रूर लगाएं, और मकान के ऊपर स्वस्ति नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। मकान के दोनों साइड में आप सतिया बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अगर मकान के ऊपर रखना है तो आप अष्टधातु का स्वस्ति लाकर, सतिया लाकर आप घर के ऊपर अगर टांग लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, भगवान गणेश जी की तस्वीर भी लगाया जाता है टाइल में। भगवान गणेश जी की तस्वीर अगर नहीं भी लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गणेश जी की तस्वीर अगर लगाएंगे तो ये ध्यान रहें कि आगे पीछे दोनों तरफ करके गणेश जी की तस्वीर लगाना चाहिए, ना कि मेन गेट से बाहर करेंगे तो घर में अशांति बढ़ेगी। इसलिए ये दो चीज़ भी आपको फॉलो करना है, ये दो चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद घर के अंदर आप ये ध्यान रखना, विशेषकर पूर्व और पश्चिम दीवार के अलावा कोई भी दीवार पर आप भगवान की तस्वीर नहीं लगाएंगे। पूर्व और पश्चिम के ही दीवार पर आप भगवान की तस्वीर लगाएंगे, और उस तस्वीर में ये ध्यान रहे शेरावाली माता अगर लगाएंगे तो उनके जो शेर होगा उसका मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। घर में काली माता का तस्वीर नहीं लगाना है, शनिदेव की मूर्ति घर के अंदर नहीं लगाना है। हनुमान जी की तस्वीर आप लगा सकते हैं, यही आपको करना है। दूसरा शनिदेव और काली, बंगलामुखी, इन तीज के आप तस्वीर घर के अंदर नहीं लगाएंगे। घर में इसके अलावा तस्वीर लगा सकता है, विशेषकर बेडरूम पे आप किसी भगवान की तस्वीर आप नहीं लगाएंगे। अगर आप दूसरा महाभारत की जो तस्वीरें हैं वो घर के अंदर आपको नहीं लगाना है। ध्यान रखना, महाभारत की तस्वीर कोई रोमांचक होकर घर के अंदर लाते हैं, महाभारत की तस्वीर लगाएंगे तो घर में कभी सुख शांति नहीं बनेगी। ध्यान रखना, महाभारत की कोई भी तस्वीर घर के अंदर नहीं रखना है। अगर हो सकता है तो घर में जो मेन गेट है उस मेन गेट के ऊपर माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप बनाएं, लाल बिंदी लगाना है केवल आपको। ये ध्यान रहे सबसे नीचे वाला जो बिंदी होगा वो उसमें सात हो, उसके ऊपर छः हो, उसके ऊपर पाँच हो, उसके ऊपर चार हो, उसके ऊपर तीन हो, उसके ऊपर दो हो और उसके ऊपर एक हो, जिसे अगर आप नेट में देखेंगे तो सर्वतो अगर नेट में देखेंगे तो सप्तघीर्त मातृका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अगर मेन गेट में घर के अंदर साइड में अगर ये चीज़ बनाकर कमलगट्टे की माला से अगर उनको माला पहना के रखा जा सकता है तो उनके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विद्यमान रहेगी। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको बार बार नहीं बताने को नहीं सुनने को मिलेगा। अगर ये चीज़ करेंगे तो आपके घर के अंदर से जो दरिद्रता है, दुख पीड़ा है, वो सब चला जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको करना है घर में लक्ष्मी प्राप्ति का सूचांक बढ़ाने के लिए। उसके बाद घर में पूजा स्थान पर श्री यंत्र, देखो अभी जो वीडियो देख रहा है सामने इसमें श्री यंत्र लिखा हुआ है, ये अभी हमारा तस्वीर है, ये यंत्र नहीं है।
यंत्र ताम्र पत्र में हो सकता है, अष्ट धातु में हो सकता है। इस यंत्र को लेकर पूजा में कलावा लपेट कर सत्य बनाकर ये पूजा में रखिए। नित्य प्रतिदिन श्री सूक्तम नाम का पुस्तक का पारण करेंगे और लक्ष्मी का ओम श्रृंग ह्रीं श्रृंग कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रृंग ह्रीं श्रृंग ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में सदैव विद्यमान रहेगी। ध्यान रहे, माँ लक्ष्मी का जब पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी का पूजन अथवा सती का पूजन करते समय अष्टगंध जो होता है अष्टगंध का ही पूजन करें। ये अष्टगंध है मित्र जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये अष्टगंध की डिबिया है, ये अष्टगंध से ही उनका पूजन करना है। और अष्टकमल और या तो कमल के ऊपर विद्यमान हो या फिर शंख के ऊपर विद्यमान हो, ऐसा लक्ष्मी जी अगर घर के अंदर रखकर पूजा कर सकते हैं तो आपको बहुत धन लाभ होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि उल्लू पर विद्यमान हुई कई तस्वीर में कई घर में देखता हूँ जिनके घर में बहुत महासंग्राम मचा होता है, उल्लू के ऊपर बैठा हुआ लक्ष्मी घर के अंदर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और ये वीडियो मैं केवल यजमानों के ऊपर ही नहीं पहुँचाना चाहता, मैं जो हमारे मित्र है पंडित लाइन पर हैं वो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, उनके लिए बहुत ज्ञान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर इस तरह से करेंगे तब भी आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल की बोल। क्रिस्टल का बोल दो प्रकार का आता है, एक तो बोल होता है केवल उससे लटकाया जाता है, एक होता है बोल और बाहर से रिंग लगा होता है। बाहर से रिंग और अंदर बोल वाला जो क्रिस्टल का यंत्र है वो बहुत अच्छा माना जाता है। व्यापार में अगर आपका नज़र लगता हो, आपके कार्य में नज़र लगता हो, कुछ टाइम चलने के बाद अगर रुक जाता हो तो ध्यान रहे क्रिस्टल का वास्तु पुरुष अथवा क्रिस्टल का यंत्र ले जा घर में ले जाकर लटका दें। और ये ध्यान रहे वो किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो आपके व्यापार बिजनेस क्षेत्र में आई समस्या तुरंत आपको निदान मिलेगा। ऐसा ही घर में अगर मन नहीं लगना, मानसिक तनाव होना, पति पत्नी में विचार नहीं मिलना तो उसके भी कमरे के मेन गेट पर अगर ये लगाएंगे तो वैचारिक मतभेद का ये। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिस्टल जितने जल्दी घर के अंदर से नकारात्मक एनर्जी को ख़त्म कर सकता है, इससे जल्दी ख़त्म करने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए घर में एक जगह, चाहे क्रिस्टल का वास्तु पुरुष हो, चाहे क्रिस्टल का बोल हो, चाहे क्रिस्टल के कछुए हो या क्रिस्टल के यंत्र हो, कोई भी हो, ये चीज़ घर के अंदर अवश्य होना चाहिए। ध्यान रहे इससे घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, घर में कछुआ लगाने की प्रवृत्तियाँ आजकल देखो थोड़ी मार्केट के अंदर ज़्यादा फैल गई है। घर के अंदर कछुआ लगाना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि समुद्र मंथन के टाइम में सुमेरु पर्वत मधानी बन गए थे, तो मधानी जो बने थे तो जब समुद्र मंथन के टाइम पे सुमेरु पर्वत नीचे उतर गए तो देवता और राक्षस दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हमारे जो समस्या है इससे हमें निदान दिलवाओ और ये समस्या है इसके लिए हमारे कुछ उपाय बताओ। तो भगवान विष्णु ने कच्छक रूप का धारण करके उस सुमेरु पर्वत के नीचे जाके ऊपर उठा दिया था। तो इसलिए घर के अंदर आई बाधा समाप्त करने के लिए, मनोरथ पूर्ण करने के लिए और व्यापार बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए, घर की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए घर के अंदर कछुआ रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा चीज़ है घर के अंदर कछुआ, अगर आप रख सकते हैं तो घर के अंदर रखे। इसको ज़्यादा पूजा पाठ करना, धूपबत्ती दिलाना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको केवल इसको जल चेंज करें। हो सकता है आप धूपबत्ती दें, नहीं तो तब भी चलेगा, लेकिन प्रतिदिन आप जल चेंज करें। प्रतिदिन नहीं कर सकते आप, शुक्रवार से लेकर शुक्रवार बीच में आप गंगा जल वगैरह रख कर वो चेंज कर सकते हैं। जो गंगा जल चेंज करेंगे वो घर के अंदर आप छीटा भी लगा सकते हैं, जिससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती। तो इसलिए जब समुद्र मंथन के टाइम पे जब कच्छक रूप धारण किया था तो वही समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ था। तभी से जिसके घर में कछुआ रखा जाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं जाकर विद्यमान होती है। ध्यान रखना, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में कछुआ होता है लक्ष्मी जी का नाना प्रकार की उपासना करना, नाना प्रकार के आह्वान करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ध्यान रहना। इसलिए कछुआ कई प्रकार के होता है। देखिए मित्रों, कछुआ क्रिस्टल का होता है, अष्ट धातु का होता है, तांबे का होता है और एक सिलोट वगैरह का भी होता है। ये जो कछुआ है देखो, विशेषकर अष्ट धातु और क्रिस्टल का कछुआ रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक लकड़ी का भी आ रहा है, विशेषकर ये रखेंगे तो घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन निरंतर बना रहेगा। दूसरा, अगर आपके लड़कियों के शादी में समस्या आ रहा है और शादी होने के बाद छुटछुटा हो रहा है बार बार,
तो अगर इस प्रकार की समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो ध्यान रहे, तीन टांग वाला कछुआ घर के अंदर लाए, सॉरी कछुआ नहीं, तीन टांग वाला जो मेंढक होता है वो घर के अंदर लाकर पूजा में ईशान कोण तरफ उसके मुंह करके आप रख दें। उसे दीपक नहीं जलाना होता है, उसे धूप बत्ती ही दिखानी है केवल, उसे जिस जगह पर रखी उसे हिलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बच्चे के साधे में आई व्यवधान है, अच्छा बार बार छुड़छुड़ा होना इत्यादि अगर समस्या है तो उस समस्या से आप छूट जाएंगे, ध्यान रहे मित्र। उसके बाद इस कछुआ के हिलाना नहीं चाहिए, हर आदमी को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, घर के बाहर के आदमी हैं उनको कछुए को स्पर्श नहीं कराना चाहिए, ध्यान रहे। जहाँ भी आप कछुआ रखेंगे एकांत जगह हो, पूजा पे रखें और पूजा इस तरह रखें कि हर आदमी की नज़र उस जगह नहीं जाता हो। तो इस तरह से कछुआ रखेंगे तो घर में लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होगा, लफ्ज जिस घर में लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होगा उस घर के अंदर कभी किसी प्रकार के व्यवधाने नहीं आ सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गेट पर हनुमान जी की तस्वीर लगाएं तो अच्छा होगा, सतिया लगाएं बहुत अच्छा होगा, दोनों तरफ बजरंग सिंदूर से सतिया बना देंगे घर के दोनों तरफ, तो घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करने का। क्रिस्टल का बोल घर में टांगेंगे तो नकारात्मक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, अगर कछुआ रखेंगे तो लक्ष्मी और गणेश जी घर के अंदर आगमन होगा। तो ऐसा ही घर के अंदर गेट के अंदर साइड में उसमें सात सात बिंदी बनाकर अगर वहाँ कमलगट्टे की माला लगाएंगे तो माँ लक्ष्मी का घर के अंदर शीघ्र आगमन का सूचांक बनेगा। तो ये रही हमारे घर के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति के विशेष साधन। अब हम बात करते हैं घर में लंबे समय से अगर किसी प्रकार की समस्या अगर चल रहा है तो उसके ऊपर क्या करें। हमारे मैंने वीडियो भी डाला है कोई वीडियो के माध्यम से और कोई मुझे फ़ोन के माध्यम से, कोई मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी इस प्रकार की भावना रखते हैं कि हम रत्न भी धारण करते हैं, पूजा पाठ भी किया है, नाना प्रकार की यंत्र वगैरह भी हमने धारण किया, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाए। देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या क्या हो सकता है इसके लिए मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम तो आप रत्न धारण करेंगे, रत्न को विधिवत तरीके से धारण किया जाता है। देखिए जो मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं कोई भी मूर्ति है पत्थर का, वो भी एक पत्थर ही है, और जो आप हाथ पर रत्न धारण करते हैं वो भी एक पत्थर है। तो ये ध्यान रहे, जब आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं पूजा करके, विधिवत तरीके से पूजा कराने पर, प्राण प्रतिष्ठित होने पर भगवान पूजन के लिए लायक बन जाता है, तब हम पूजन करेंगे तो हमें उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से पत्थर का भी आपके नाम गोत्र राशि से उसका पूजन होता है मित्र, ध्यान रखना। उसके भी मंत्र जपे जाते हैं अलग अलग संख्याओं में, अलग अलग रत्न को अलग अलग तरीके से रत्न धारण कराया जाता है, उसको पूजन कराया जाता है। पूजन कराने के बाद, बनाने के बाद फिर पंचामृत स्नान कराकर तब उसको धारण करना होता है, तब हमें उसका शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। इसलिए अगर उसको विधिवत तरीके से आप धारण करेंगे तो सर्वप्रथम रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, नकारात्मक फल अथवा नकारात्मक जो संशय जो पीड़ा है वो भी आपको नहीं भुगतना पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रहे, पूजा करते समय आपको वही ग्रहों के पूजा करेंगे जो रत्न आप धारण करेंगे, या फिर किसी ब्राह्मण द्वारा ही पूजा करा कर अगर रत्न लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रत्न, उसके बाद यंत्र धारण करने की विधि। यंत्र भी जो कि तो इसी तरीके से पूजा पाठ करके यज्ञ अनुष्ठान में रखने के बाद या फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्य में रखने के बाद ही अगर रत्न धारण करेंगे विधिवत तरीके से तो आपका उसका रत्न का आपको फल आपको मिलेगा। ऐसा ही हम एक और बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं हम, क्योंकि आप किसी से पूजा कराते हैं तो ध्यान रहे, पूजा आप किसी ब्राह्मण के पास जाके पूजा कराने के लिए आप मंत्र अरदास लगा के आएंगे तो, लेकिन पूजा के टाइम पे आप लोगों को नियम का भी पालन करना होता है, घर में झगड़ा नहीं करना होता है, ब्रह्मचारी इत्यादि का पालन आपको करना होता है। विशेषकर घर के अंदर जब एक महीने में एक बार जब स्त्री अशुद्ध हो जाती है तो उस टाइम पूजा ना करें, पूजा स्थान पर न जाएँ, और जिस बेडरूम पर आप सोते हैं उस बेडरूम पर ना सोएँ, उससे अलग सोएँ, जिससे आपका पूजा पाठ अथवा दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलेगा। अगर आप देवता के स्थान पर जाएंगे और रसोई के अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम पितृदेव असंतुष्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना मित्र। आप अशुद्ध अवस्था में किचन पर जाके भोजन ना बनाएं, घर के कोई और सदस्य भोजन बनाएं, विशेषकर पाँच दिन आप इसका पालन करेंगे तो आपका पितरों का घर में अथवा देवी देवता का पूजन करा हुआ पूजन आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। उसके बाद जब आप चौथे दिन होने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद अपने सोए बिस्तरा अथवा पहने वस्त्र धोने के बाद चेंज करने के बाद तब आप थोड़ी सी गंगा जल का सेचन करें, गंगा जल अपने ऊपर छिड़कने के बाद आप कोई भी कार्य आप कर सकते हैं।
विशेषकर पुरुष के लिए अथवा जो विशेषकर मेरे जो ब्राह्मण भाई हैं उनसे मैं विनम्र एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी ब्राह्मण भाई अपना यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का सूत्र है यज्ञोपवीत। जब तक आप यज्ञोपवीत नहीं करेंगे, धारण करेंगे, तब तक किसी भी यजमान का किया हुआ यज्ञ का फल उसके प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यज्ञ करने का अधिकार भी यज्ञोपवीत ही प्रदान करता है। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करें। मैं कितने देखता हूँ, यज्ञ अनुष्ठान में जाता हूँ कहीं अथवा मैं किसी को भेजता हूँ, तो मैं कितने ब्राह्मण को चेक करने की कोशिश करता हूँ भाई यज्ञोपवीत धारण किया है अथवा नहीं है। तो मुझे मिलता है कि अधिकतर जो ब्राह्मण है वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते। अगर कोई करते हैं तो उसे माला के तौर पर धारण करते हैं, ना कि जनेऊ के तौर पर। देखिए, सीधे हाथ के नीचे करके और गले में लगा के उसको यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। माला के तौर पर लगा के यज्ञोपवीत नहीं माना जाएगा, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए अथवा जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो उसे तो यज्ञोपवीत के बिना अपने मुँह से आवाज़ भी नहीं निकालना चाहिए, हमारे मान्यताएँ हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रहे मित्र, अगर इस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका लाभ अवश्य मिलेगा। उसके उपरांत हम बात करते हैं भगवान गणेश जी की पूजा में क्या क्या चीज़ चढ़ाया जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर की जो पूजा है उसके ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए भगवान गणेश जी को। भगवान गणेश जी सर्वप्रथम प्रिय जो है वो है दुबड़ा। गणेश जी को दुबड़ा चढ़ाइए। दुबड़ा चढ़ाने के बाद बूंदी के लड्डू भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। ध्यान रहे, अगर गणेश जी के सामने कोई भी मनोकामना लेकर आप जा रहे हो तो इतना ध्यान रहे कि आप लड्डू दो नहीं तीन ले जाएं। तीन लड्डू ले जाकर दो लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पण करें और एक मूषक के नाम पर अलग रख दें, तो भगवान गणेश जी इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपका मनोरथ बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। इसलिए ध्यान रहे, भगवान गणेश जी पूजा करते समय विशेषकर ये दो चीज़ करें, और भी मंत्र नहीं जानते, श्री गणेशाय नमः, ये सर्वसम्मति से सबको इस मंत्र याद भी है और बहुत अच्छा मंत्र भी है। ऐसा नहीं कि आप जो जानते इसलिए ये ज़्यादा सटीक मंत्र नहीं है, इसे और मंत्र हम उच्चारण करें ज़्यादा फल मिलेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा मंत्र है, आप जानते हैं और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, इस मंत्र को आपको जाप करना है नित्य निरंतर तरीके से। आप इसको जाप करेंगे तो आपका जाप का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, पितृदेवता कुल देवता को सब पूजा करने के बाद वास्तु देवता। घर के अंदर अगर मन नहीं लगना, घर में आप उसमें झगड़ा ज़्यादा फैल रहा है, तो सर्व बाधा दोष निवारण के एक हवन करा सकते हैं आप। ध्यान रहे, हर 6 महीने में घर में एक हवन जरूर होना चाहिए। आपके घर में बच्चा होता है तो उस टाइम सर्वाधा दोष निवारण की अथवा घर की शुद्धि का हवन नहीं हो पाता, केवल शुद्धि के होता है, लेकिन सभी प्रकार नकारात्मक एनर्जी दूर करने का हवन नहीं हो सकता। इसलिए विशेष तरीके से घर में नकारात्मक एनर्जी को ख़त्म करने के लिए इस मंत्र को आप जाप कराना है। सर्वाधा दोष निवारण हवन आपको कराना है। यही नित्य निरंतर अगर आप पूजा करेंगे तो सभी प्रकार के जो मनोरथ है आपको शीघ्र पूर्ण होगा। ध्यान रहे मित्र, घर में अगर आपका गौ माता है, गौ माता की अगर सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, घर में जो भी भोजन बनाएंगे, प्रथम रोटी गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कौए के लिए अथवा कुत्ते के लिए अगर आप निकाल के रखेंगे तो आपके घर में नथिंग किसी प्रकार का कोई व्यवधान आ ही नहीं सकता। ये ध्यान रहे, अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं तो हनुमान जी का संकट कटे मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, केवल यही एक दोहे को आप इतना रटें कि शत्रु उसी मंत्र के माध्यम से दूर हो जाए। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। हनुमान जी सामने बैठकर अगर इस मंत्र को जप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थी के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, यह बहुत इफेक्टदार मंत्र है, श्लोक है। इस मंत्र को नित्य निरंतर जाप करें। घर में दोनों टाइम हो सकता है शंकर घंटे का वादन करेंगे तब भी आपके घर में किसी प्रकार नकारात्मक एनर्जी नहीं आता। शंख में भगवान विष्णु का वास होता है तो घंटे के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जब आप प्रतिदिन प्रातः सायं शंख घंटा की ध्वनि अगर घर के अंदर
निकलेगा तो लक्ष्मी और विष्णु जी आपके घर में सदैव विद्यमान रहेंगे। जिस दिन लक्ष्मी और विष्णु जी घर के अंदर विद्यमान रहेंगे तो किसी प्रकार कोई व्यवधानिक समस्या आपके घर के अंदर आ ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रहे, अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, किसी प्रकार बिजनेस में समस्या है तो ध्यान रहे आप चार प्रकार के कौड़ी लाएँ। चार प्रकार में काला हो सकता है, सफ़ेद, पीला, उसके बाद एक खैरा कलर का होता है, ये चीज़ आप लाएँ। उस पर उसके ऊपर गोमती चक्र लाएँ और एक विष्णु चक्र लाएँ, चार कमल गट्टे डाल दें उसके अंदर, चार सुपारी डाल दें, थोड़ी सी लाल चावल, थोड़ी सी लाल फूल और उसके अलावा कुछ सिक्के, ये लाल कपड़े में बांधने के बाद उसके अंदर एक लघु नारियल भी रखना, एक दरिया नारियल रखना, एक एकाक्षी नारियल भी रख सकते हैं, हो सकता है दक्षिणावर्ती शंख रखें। अगर ये सामान अगर आप जुटा कर पीले क्या नाम है लाल कपड़े पर अगर बांध कर अगर पूजा में 41 दिन तक इनकी सेवा करेंगे या गणेश जी का थर्व शीर्ष या फिर माँ लक्ष्मी का शीर्ष उत्तम अगर पाठ करके सुनाएंगे तो आपके घर के अंदर जितने भी दरिद्रता जो भी समस्या है वो सब दूर हो जाएगा। ध्यान रखना ये सभी चीज़ उपलब्ध कराकर आप स्वयं भी पूजा करते हैं तो आपको एक अनंत कोटि यज्ञ करने के समान फल मिलेगा। ध्यान रखना ये चीज़ इतना फलदायक है, ये करना होगा आपको नियम से, मन लगा के ध्यान लगा के चीज़ आपको करना होगा। ध्यान रहे अगर घर के अंदर वास्तु दोष है, विशेषकर वास्तु दोष में कई प्रकार के दोष होते हैं, कुछ ना कुछ दोष हर आदमी के घर के अंदर विद्यमान रहता है। कितने भी ज़मीन पर कितने एरिया पे कैसे भी आप वास्तु दोष के निवारण मंत्र कराने निवारण तरीके से आप मकान बनाने की कोशिश करें वो हो नहीं सकता, असंभव है। इसलिए विशेषकर बड़ा दोष घर के अंदर नहीं होना चाहिए। वो कौन सा नहीं होना चाहिए? जब आप मकान बनाएंगे ज़मीन जो होगा आपका वो समानांतर होना चाहिए हमेशा। ध्यान रहे समानांतर अगर नहीं हो सकता, पूर्व और ईशान कोण नीचा हो सकता है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन दक्षिण भुजा और पश्चिम भुजा नीचा नहीं होना चाहिए। विशेषकर इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद जब आप मकान बनाएंगे, मकान बनाते समय वजनदार जो चीज़ होगा दक्षिण भुजा में और पश्चिम दिशा में बनाएंगे, जीना बनाएंगे, नैऋत्य भुजा की तरफ बनाएंगे, लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, नैऋत्य और दक्षिण भुजा के दक्षिण के बीच में बनाएंगे, अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको वास्तु होगा हद तक आपको वास्तु जो है वो आपका निवारण हो जाएगा। और ऊपर मंजिल बनाते समय और नीचे भी ईशान कोण में पूजा स्थान बनाएं, जल बनाएं, आग्नेय कोण में किचन बनाएं, रसोई घर बनाएं, नैऋत्य क्या नाम है वायव्य कोण में धन रखने के लिए अथवा भंडारा वगैरह इत्यादि बना सकते हैं तो भंडार बनाएं, स्टोर बनाएं, सर स्टोर बनाएंगे तो आपका घर में सदी सभी समृद्धदायक सूचांक घर के अंदर उत्पन्न होते रहेंगे। दक्षिण भुजा घर के मकान में ऊंचा बनाएं, पश्चिम भुजा ऊंचा बनाएं, ईशान कोण में थोड़ी हल्का रखें और नीचा रखें, खुला रखें तो बहुत अच्छा होगा। गेट बनाते समय ईशान कोण में पूर्व ईशान के क्षेत्र में हल्का सा हटाकर पूर्व और ईशान कोण के मध्य में भी आप गेट बना सकते हैं जिसमें आपको उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। ये चीज़ बनाएंगे और इसके बाद घर में जैसे ऊपर मकान बनाते समय अगर निरंतर ऊपर मकान बनाते समय दक्षिण भुजा ऊंचा नहीं कर सकते तो उसमें आपको दक्षिण जो नैऋत्य जो भुजा होता है नैऋत्य भुजा उसको बोलता है, जो दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का कोण होता है उसे नैऋत्य भुजा बोलता है, उसको नैऋत्य भुजा में एक झंडा लगाकर ऊंचा बना दें ताकि आपका वास्तु दोष सब समाप्त हो जाए। इस तरह से करना है। इस तरह से करने पर दक्षिण भुजा से हवा घर के अंदर ना प्रवेश करे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से करेंगे। घर के आसपास में कोई भी इतना बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए जो घर के छत से ऊपर जा रहा हो, वो पेड़ भी नहीं होना चाहिए। मंदिर के छाया, पीपल का छाया और मंदिर से सटा हुआ मकान अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा, अगर बाई चांस है तो शीशा इस तरह से लगा दें कि जो परछाई है वो उनके दर्पण द्वारा वो वापस उधर ही मुड़ जाए, अगर इस तरीके से करेंगे। और उसमें एक और भी हो सकता है, अष्टधातु के खड़े हनुमान जी की तस्वीर लाएं, अष्टधातु के खड़े हनुमान जी की तस्वीर लाकर या पूछे पूजा में भी रख सकते हैं, खड़े तस्वीर में झंडा लेकर खड़े हुए वाला तस्वीर लाना है जिसमें वो आप पूजा में भी रख सकते हैं, छत में अगर कोई ऐसा स्थान है तो छत में भी आप उसको रखकर स्थान दे सकते हैं। ध्यान रहे घर में पूजा पाठ कराते समय ध्यान रहे 9 इंच से बड़ा मूर्ति ना हो। पूजा घर में पूजा कभी भी कराते समय चल प्रतिष्ठा कराएं, स्थिर प्रतिष्ठा आपको नहीं कराना होता है, चल प्रतिष्ठा आप करा सकते हैं। ध्यान रहे चल प्रतिष्ठा ही कराकर भगवान की पूजा करना चाहिए। पूजा में दो गणेश जी,
दो लक्ष्मी, नाना प्रकार की कोई भी मूर्ति आप घर में दो दो प्रकार की मूर्ति नहीं रखिए। अगर आपके घर में बाई चांस शत्रु से काफ़ी टाइम से पीड़ित हैं और इसी वर्ष आप लोग बहुत तनाव में हैं, तो ध्यान रहे अष्ट विनायक की तस्वीर लाएं। अष्ट विनायक गणेश जी की तस्वीर, इसमें आठ गणेश जी का स्वरूप होता है, बीच में एक और गणेश जी स्वरूप होता है, तो अष्ट विनायक गणेश जी का तस्वीर लाकर उन्हें पूजा में रखें। पूजा में रखकर एक ही तस्वीर में अष्ट विनायक का तस्वीर होता है, वो पूजा में रखकर उनको विधिवत तरीके से आप पूजा करें। उन्हें हो सकता है सुपारी के आसन पर विद्यमान कराएं और मूंग के हलवा बनाकर उनको भोग लगाएं। अगर इस तरह से पूजा करेंगे तो शत्रु से आप बहुत जल्दी छुटकारा पाएंगे, ये ध्यान रहे। शत्रु से पीड़ित होने पर मंदिर वगैरह इत्यादि में किसी ब्राह्मण द्वारा बंगलामुखी मंत्र भी कराएंगे तो शत्रु से आप, अथवा केस वगैरह चल रहा है तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण और सुंदरकांड, अगर ये चार चीज़ भी अगर आप पाठ करेंगे हर मंगलवार को, तो कोई आपके शत्रु आसपास भी नहीं आ पाएगा। जो भी शत्रु बनने से पहले वो मित्र बनेगा, यही चीज़ आपको नित्य निरंतर करना है। ध्यान रहे, आप पूजा करते समय बोलना नहीं होता किसी किसी, क्रोध नहीं होना, बच्चों को नहीं डांटना, शुद्ध होकर आसन में बैठकर एक लुटिया जल सामने रखकर पूजा करना होता है। कोई भी कितना ही बड़ा छोटा पूजा करेंगे तो ये चीज़ वगैरह आपको ना जो है निरंतर करना है। ध्यान रहे मित्र, हम आपको जो नियम बता रहे हैं वो तरीके से फॉलो करना है, तरीके से करना है। अगर इसी तरह से आप करते रहेंगे तो तब जाके आपको पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसके उपरांत आप घर में वैचारिक मतभेद वगैरह दूर करने के लिए भी अष्टविनायक का ही सहायता आप ले सकते हैं। घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख, घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख रखेंगे तो लक्ष्मी आगमन के साथ में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रखें, और हर हफ्ते अगर उसमें जल भर के रखें, जो बीमारी रहते हैं जिसे पेट संबंधी समस्या होता है वो स्नान करेंगे, सिर में दर्द जिसका होता है उसे घोट के अगर मस्तक पर लगाएंगे तो उसके सिर में जो दर्द होता है 24 घंटा जो सिर में दर्द होता है उसे तुरंत उसको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। जिसके सिर में दर्द है उसे दुर्गा विषय यंत्र भी धारण करना चाहिए, जिसके शारीरिक कष्ट है उसे दुर्गा विषय यंत्र धारण करेंगे तो सब मनोकामना पूर्ण हो सकता है। दूसरा, भगवान शंकर के रुद्राभिषेक कराकर अष्टगंध से, अष्टगंध के जो रोली है उसकी अगर त्रिपुंड भी लगाएंगे तो लगातार अगर ये 11 दिन तक त्रिपुंड लगाएंगे तो कितने भी बड़ा सिर में दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप नित्य निरंतर पूजा करेंगे, जो भी नियम से पालन करेंगे, तो आप लोगों का पूजा का फल भी आपको पूर्ण होगा। हमारा बताने का औचित्य ये नहीं कि हम आपको टाइम पास कर रहे हैं इत्यादि, आप इस चीज़ को नियम पालन करेंगे तो आपको अच्छा फल मिले, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए हम आपको ये चीज़ बताते हैं। अगर कोई भूत प्रेत वगैरह से पीड़ित है तो उनके घर में उसके घर में हवन पूजा के साथ में 10 महाविद्या का हवन पूजा पाठ कराएं, जिसे कराने के बाद शीघ्र जो मनोरथ होगा वो पूर्ण होगा। इसके बाद मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान की आपको सेवा करना है। घर में किसी से दिया हुआ, किसी ने अगर आपको गिफ्ट करेंगे तो जो क्या नाम है लाफिंग बुद्धा होता है उसे भी घर में लाकर आप पूजा पाठ करेंगे। पूजा के स्थान में रखना होता है, उसे धूपबत्ती नहीं दिखाना होता, पूजा में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, ऑफिस के मेज़ पर रख सकते हैं। अगर इस तरह रखकर अगर पूजा करेंगे तब भी आपको पूर्ण लाभ अथवा पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति बढ़ेगा। दूसरा, विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में अगर सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिस रूम पर बैठ के पढ़ते हैं उस रूम पर पूर्व दीवार पर ले जाकर माँ सरस्वती की तस्वीर लगा दे, जिसमें श्वेत वर्ण हो, सफ़ेद वस्त्र में विद्यमान हो, ऐसे सरस्वती माता की तस्वीर लाकर अगर पूजा में रखेंगे, जिसकी पश्चिम मुँह में पश्चिम तरफ माँ सरस्वती की मुँह हो और आप बच्चे का मुँह पूर्व की तरफ करके अगर पूजा करेंगे तो उस बच्चे का याददाश्त जो कमज़ोर हो रहा है उसमें उसको बहुत लाभ मिलेगा। रविवार के दिन सफ़ेद पुष्प अर्पण करेगा और सूर्य निकलने के बाद अगर भोजन करेगा, सूर्य को जल दे के भोजन करेगा तो याददाश्त जो कमजोरियाँ हैं ये सभी चीज़ बच्चे के ठीक हो जाएंगे। विद्या में अथवा पढ़ाई में आई समस्या जो है दूर होगा। नौकरी व्यवसाय में किसी को समस्या उत्पन्न है तो वो भी जो श्वेत वर्ण पर विद्यमान है अथवा गिटार हाथ में लेकर विद्यमान है, अगर उनकी सेवा करेगा माँ सरस्वती का तो नौकरी व्यवसाय में आई समस्या जो है वो दूर होगा। इसी प्रकार से अगर कोई नौकरी व्यवसाय प्राप्त करने के बाद अपने बोस वगैरह प्रसन्न नहीं हो पा रहे
तो बोझ को प्रसन्न करने के लिए हल्दी के गांठ ले जाकर विष्णु भगवान के चरण में, दोनों चरण में एक एक चरण पे वो रखकर अपना मस्तक टेक कर आएंगे, तो आपके जो बोझ प्रसन्न नहीं हो पा रहे उसके क्षेत्र में आपको तसल्ली मिलेगी। उसके बाद अगर आपके सैलरी वगैरह में बढ़ोतरी नहीं बन पा रही है तो आप दो गोमति चक्र लेकर अपने जेब में रखें, दो गोमति चक्र सफ़ेद कपड़े में बांध कर अपने जेब में रखें और उसके ऊपर से कुछ पैसे रखें हमेशा, और जो भी जितने भी आप सैलरी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं अथवा जो भी होता है उसे मनोकामना उच्चारण करने के बाद कुछ टाइम पूजा में रखें, पूजा में रखने के बाद वो आप जब भी ऑफिस जाएंगे उसे जेब में लेके जाएंगे तो आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी में दिक्कत है वो भी आपका बहुत जल्दी उससे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, घर में अगर आपको बार बार समस्या उत्पन्न हो रहा है, व्यापार बिजनेस आरंभ नहीं कर पा रहे हो और आपका भाई भी साथ नहीं दे पा रहा, परिवार भी साथ नहीं दे पा रहे और बार बार कोशिश करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए नमक चमक नाम का एक रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक कराएं किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर नमक चमक से भगवान शंकर की रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक कराने से जो भी समस्या है उनके ऊपर, जो भी संकट है दिखाई दे रहा है वो सब छूट जाएगा। हो सकता है नमक चमक की जो पाठ है गंगा जी के किनारे पर जाकर, हरिद्वार अथवा कोई पूजनीय स्थान पर जाकर अगर इसकी पूजा पाठ करा सकते हैं तो पूजा पाठ कराने से उनकी जो आई व्यवधान है वो शीघ्र पूर्ण दूर हो जाएगा और अपने उसका मनोरथ जो होगा वो शीघ्र पूर्ण होगा। दूसरा, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करते समय पार्टनर आपका सहयोग नहीं कर पा रहा, मतलब ही हो गया और उसकी वजह से आपको व्यापार बिजनेस लॉस हो रहा है, तो ध्यान रहे आप जो भी राशि का आपका नाम है, सपोज करें आपका नाम मेष राशि है तो आप ध्यान रहे सफ़ेद चीज़ आपको दान करना है, और दूसरा आपका तुला राशि है तो तुला राशि अष्टम क्षेत्र में जाके मंगल विद्यमान हो तो आपको लाल चीज़ दान करना है, जिसका मिथुन राशि होगा उसे पीला चीज़ दान करना है, जिसका कर्क राशि उसे काला दान करना है, जिसके सिंह राशि होगा उसे भी काला दान करना है और जिसका कन्या राशि हो गया उसे पीला दान करना है, तो इसी प्रकार जिसका तुला राशि उसे लाल दान करना है, जिसका वृश्चिक राशि उसे सफ़ेद दान करना है, तो अगर इस प्रकार से अपने पार्टनर हो गया इसी अगर यही चीज़ अगर आप दान कर सकते हैं तो ये दान करेंगे तो आपका पार्टनर आपको कभी धोखा नहीं सकता, ना तो इसे देने से पार्टनर को दिक्कत आएगा ना ही आपको दिक्कत आएगा, दोनों का मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो। मित्र के साथ अनबन होना, वैचारिक मतभेद होना, इस प्रकार के सभी प्रकार के जो समस्या से आप छूट जाएंगे। दूसरा, आप कोई भी उपाय करेंगे सूर्य उदय होने के बाद और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ही अगर इस पूजा को करेंगे तो तब आपको इसके पूजा का सटीक लाभ होगा, क्योंकि हमारे धार्मिक और क्या नाम है हमारे ग्रंथिक जो भाषा है कि सूर्य के सामने जो भी उपाय वगैरह करेंगे वो 100% फलदायक और सटीक होते हैं। घर में कोई भी यंत्र रखेंगे, कागज़ का अथवा पोस्टर में हुआ यंत्र को मान्य नहीं है, तो इसलिए आप ताम्रवर्ण अथवा इत्यादि ताम्रवर्ण में होता है, ताम्रपत्र में हो सकता है, अष्टधातु में हो सकता है, क्रिस्टल का हो सकता है, पारद हो सकता है, ये चीज़ लेकर आप अगर पूजा पाठ करेंगे तो आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। दूसरा, अगर किसी कुंडल में शनि व्यवधान होने पर बार बार चोट पटक लगना इत्यादि अगर हो रहा है तो एक शनि यंत्र लाएँ। शनि यंत्र न तो ताम्रे में लाना है न ही अष्टधातु में लाना है, शनि यंत्र अलग बना होता है, एक वो बना होता है किसी धातु पे नहीं होता, वो चीज़ लाएँ। वो चीज़ लाने के बाद घर में रखकर उसको आप घर में लाएँ, घर में लाकर रखकर पूजा करें, पूजा करने के बाद ले जाके उसे शनि मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उसे रखें, रखने के बाद उस पीपल के अथवा शनि मंदिर की परिक्रमा करें, परिक्रमा करके अगर आप आएंगे तो शनि संबंधी पीड़ा से जो आप पीड़ित हैं उससे आप शीघ्र छूट जाएंगे। यही चीज़ आपको नित्य निरंतर करना है। घर में बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, छोटा पारद शिवलिंग लेकर अगर आप पूजा करेंगे तो घर के अंदर वास्तु दोष से लेकर नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होता है, इसलिए पारद शिवलिंग लें। और पारद शिवलिंग में ये ध्यान रखने वाली बात है कि बार बार हाथ न लगाएं, बच्चों के हाथ नहीं लगाने देना है और पारद शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध वगैरह अथवा फल वगैरह उसको सेवन नहीं करना होता है, ध्यान रहे। और जो भी फल वगैरह इतने चढ़ाएंगे वो थोड़ी दूर रखकर चढ़ाएं, क्योंकि पारद थोड़ी नकारात्मक एनर्जी को भी दूर करता है, क्योंकि पारद शिवलिंग इसलिए पूजा किया जाता है कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पान किया था, तो वो जिस तरह से विष पान करके सभी को सुख समृद्धि प्रदान किया था, तो इसी तरीके से समृद्ध सुख समृद्धि प्रदान करने, सभी कष्ट को हरण करने के लिए पारद शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं पूजा करने के लिए, इसलिए पारद शिवलिंग घर में रखकर पूजा पाठ करेंगे तो आपको अनंत कोटि अनंत अनंत कोटि फल आपको प्राप्त होगा।
घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं अथवा कोई भी आप जो भी नौकरी व्यवसाय करते हैं उसमें जितने भी आपको पैसे आपको मिलते हैं, दशांश हमेशा पूजा पाठ इत्यादि में लगाना चाहिए। दशांश भी नहीं लगा सकते, कुछ परसेंट हमेशा पूजा पाठ के नाम से लेकर रख दें, कहीं धार्मिक स्थान पर ले जाकर उसको चढ़ा दें या तो गौशाला में दे दें, गौ माताओं का सेवा कराएं। तो अगर कभी गौ माता गौशाला में जाएंगे, चारा खरीद कर ले जाए दे दें, कुछ ऐसा चीज़ करेंगे तो धार्मिक स्थिति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये कार्य आपको नित्य निरंतर करना है। सुख शांति समृद्धि बढ़ा के रखने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी भगवान की सेवा नित्य निरंतर करना है। मैंने अभी आपको जो भी उपाय बताए हैं सटीक उपाय हैं, फलदायक उपाय है, एक पढ़े लिखे भी, दूसरा हमारे एक तजुर्बा अथवा जो हमने ये कार्य किया है जिससे हमें अनुभव प्राप्त किया है, ये सभी चीज़ को संकलन करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस चीज़ को आप ज़रूर आजमा के देखें, आपके जीवन में जो भी समस्या है वो शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आपके पति आपको कहना नहीं सुनते तो उनके पति की फ़ोटो लेकर शहद के डिब्बे के अंदर अगर आप डाल देंगे तो आपके पति आपको बहुत जल्दी सुनने लगेंगे। हस्तमित्र आज के लिए इतना ही, मैं फिर एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए कुशल रहें, मंगल रहें और नारायण का नाम स्मरण करते रहें। हरिओम।